Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Medicure Buddy. Today's video, we are going to discuss a very important topic of practice of medicine, and the topic is pulmonary thromboembolism. ठीक है, pulmonary thromboembolism term से ही पता चल रहा है that ये एक ऐसी condition होती है जब obstruction हो जाता है. There is a significant obstruction in a part or whole of the pulmonary atrial tree by a thrombus. और ये thrombus आता कहाँ से है? ये lung के बाहर से आता है. That means अगर deep vein thrombosis हुई है, ज़्यादातर जो lower extremities की होती है, 90% of chances होती है कि वहाँ से ये thrombus आ जाए. ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी etiology. तो ये एक complication होता है, ठीक है, PTE, that is pulmonary thromboembolism, is a complication of DVT, deep vein thrombosis, and most commonly results from a detachment of a vascular thrombus from leg or pelvis. ठीक है, leg या pelvis से thrombus आता है, और ज्यादातर जो thrombus होता है, वो जो appear होता है, that comes from अबव द नी. ठीक है, तो ज्यादा रिस्क होता है उसका जो अबव द नी होते हैं, द वेन्स बिलो द नी अपीयर टू पोज लोअर रिस्क. ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर आने की चांसेस ज्यादा होती है. अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट दीज इफेक्ट्स अकर ड्यू टू फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड सेरोटोनिन रिलीज ड्यू टू पल्मोनरी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन. तो वहां पे क्या होता है, ऑब्वियसली जो ब्लड सप्लाई है या फिर वहां पे थ्रोम्बस है वो ऑक्लूड कर देगा उस जगह को. ठीक है, क्लिनिकल इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो पेशेंट में मैसिव पीटीई प्रेजेंट्स विद सबस्टर्नल पेन. ठीक है, बिलो द स्टर्नम द पेन इज ऑब्जर्व और वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के पेन और डिस्निया जैसा होता है. The patient may be anxious, restless, confused and cyanosed. Cyanosis appear होगी, कई बार shock की sign भी देखने को मिल सकती है. Tachycardia and tachypnea is observed in the people and gallop rhythm are frequently evident. So these three things you need to remember that tachycardia, gallop rhythm and tachypnea is also observed. Accentuated pulmonary component of the second heart sound and rise in JVP, that is jugular venous pressure, बढ़ा हुआ मिलेगा क्योंकि obviously there is a degree of pulmonary hypertension which is getting produced due to the presence of that pulmonary thromboembolism or the thrombi that is stuck there. Bronchi may also be heard. अब हम बात करते हैं कुछ और सिम्टम्स की, जैसे डिस्निया देखने को मिल सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस ल्यूरेटिक चेस्ट पेन ऑब्जर्व हो सकता है. कई बार ल्यूरल लब कैन आल्सो बी हर्ड जो कि पेरिकार्डाइटिस में यूजुअली ऑब्जर्व होता है. एंड फीवर इज यूजुअली प्रेजेंट एंड इज परसिस्टेंट व्हेन द एम्बोलस इज ऑफ इन्फेक्टिव नेचर. सो फीवर ज्यादातर देखने को तब मिलता है जब कोई इन्फेक्टिव एम्बोलस वहां पे प्रेजेंट हो. नाउ टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, वी कैन गो फॉर रेडियोग्राफिक असेसमेंट. हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करा सकते हैं, हम इकोकार्डियोग्राम के लिए जा सकते हैं. ठीक है, इकोकार्डियोग्राम कैन बी डन. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो गो फॉर पल्मोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी. आप एंजियोग्राफी करवा सकते हो पल्मोनरी आर्टरी की. एंड सर्टेन कार्डियक मार्कर्स जैसे कि कार्डियक ट्रोपोनिन्स जो होते हैं, ट्रोपोनिन्स इसका एलिवेशन देखने को मिलता है इन द केस ऑफ पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड. आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.